1872, the Sales of Goods Act 1930, इसमें आज हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मुहायदा इबरा और मुहायदा जमानत क्या है, तारीफ और वजाहत करें, नेज दोनों में फर्क बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत दफा आया है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्टिंग्विश इन फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डिफाइन इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, हाउ डज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफर फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बाई एक्सप्लेनिंग द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर राइट्स ऑफ श्योरिटी इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज परफॉर्म, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इलस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट मुहायदा दो लोगों के दरमियान होता है। मुहायदे के बुनियादी लवाजमात क्या होते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होती है, फिर एक्सेप्टेंस होती है और फिर कंसीडरेशन होती है, जरे बदल, दोनों पार्टियों का जरे बदल होता है। अगर एक प्रॉपर्टी का मुआहदा है तो एक शख्स के लिए जरे बदल बदल वो अमाउंट होगी 1 करोड़ रुपया, दूसरे शख्स के लिए फ्री के दोए के लिए वो मकान होगा, फ्री कॉन्सेंट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लवाजमात है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में ये लवाजमात पूरे होने जरूरी हैं। हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट की अकसाम कि कॉन्ट्रैक्ट कितने किस्म के, जितने भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हमने देखे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट कानून के मुताबिक होगा उसमें ये लवाजमात पूरे होना जरूरी है। हमने इनकी अकसाम देखी थी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि कानूनी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कानूनी तकाजे मैंने आपको बताए हैं उन तकाजों को जो पूरा करे वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो लवाजमात है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो कानूनन काबिले नफाज ना हो। उसके बाद हमने देखा था कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मशरूत कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें कोई मशरूत कर दिया जाए, किस चीज को किसी चीज के साथ मशरूत कर दिया जाए। फिर मुआहदा शर्त जैसे जुए वगैरह जिनमें एक शर्त हो। उसके बाद हमने देखा था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो जो एब इनिशियो वॉइड हो, बार बार लागू हो, कानून के खिलाफ हो। उसके बाद हमने देखा था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि दो पार्टियों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें अगर एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में 19-20 का फर्क है उसे कबूल करना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कायम रहेगा, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर वो चाहे उसको वॉइड कराना तो वो अदालत में जाकर उसको वॉइड करा सकती है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये तमाम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की अकसाम है। लेकिन अमूमन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के हवाले से स्पेशल क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, मुहायदा इबरा, इबरा बरी करना उर्दू में, किसी को किसी लाइबिलिटी से बरी करना। मुहायदा इबरा का मफहूम दफा 124 कानून मुहायदा में दर्ज ज़ैल है। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जिस मुआहदे के जरिए एक फरीक दूसरे फरीक को नुकसान से बरी रखने का अहद करे, जो उसको खुद फरीक मुआहदा या किसी और शख्स के फेल से पहुंचे, ऐसा मुआहदा मुआहदा इबरा कहलाता है। अब इसके हम एग्जांपल देखें, इससे हमें समझ आएगा। अलिफ बे से अहद करता है, दो लोगों के दरमियान अहद हो रहा है, अलिफ और बे के दरमियान। अलिफ बे से अहद करता है
कि 200 रुपए की खास रकम के बारे में, 200 रुपए की खास रकम के बारे में जीन जो कार्रवाई बे के खिलाफ करेगा, जीन जो कार्रवाई बे के खिलाफ करेगा, अलिफ उसके नताइज से बे को बरी रखेगा। यह मुआहिदा इब्रा है कि अलिफ जो है वो बे को बरी कर रहा है कि जीन जो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अलिफ बे को ये बरी कर रहा है कि जीन जो कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ, उसका जो नुकसान करेगा या जो कार्रवाई करेगा उससे वो उसको बरी कर रहा है। तो मुआहिदा बेसिकली अलिफ और बे के दरमियान है। अलिफ बे से कह रहा है कि जीन जो आपका नुकसान करेगा या जो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, अगर आपका ये लॉस होता है तो वो लॉस मैं बियर करूंगा, मैं आपको बरी करूंगा। तो इसमें दो पार्टियां होती हैं, इसलिए इसको मुआहिदा इब्रा कहा जाता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, मुआहिदा इब्रा के बरी करना। मुआहिदा इब्रा बकायदा मुआहिदा होता है जिसमें दो फरीक होते हैं। यह एक मुआहिदा है, जब ये मुआहिदा वो करेंगे कल को इसकी वायलेशन होगी, वो अदालत से जाकर उस मुआहिदे की हकूक को फ्राइज तो उसमें उन्होंने मुतय्यन किए होंगे, उसके मुताबिक वो अपना राइट ले सकता है। अगर बे के साथ वो मुआहिदा करता है अलीफ और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो बे अदालत में जाकर अपना राइट ले सकता है। जिसमें दो फरीक होते हैं, जिसमें उस फरीक की रजामंदी जरूरी होती है जिसको जिम्मेदारी से बरी रखने का है, वो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो बे है अलिफ बे से मुआहिदा कर रहा है कि मैं तुम्हें नुकसान से बरी करूंगा, तो बे की रजामंदी इसमें शामिल है, तो उसकी रजामंदी जरूरी है। गोया ये एक किस्म का तहफुज होता है जो एक फरीक दूसरे को फराम करता है। मुआहिदा इब्रा बुनियादी तौर पर एक तहफुज है, अलिफ बे को तहफुज फराम कर रहा है, जैसे कि गाड़ी चला रहा है कि तुम चलाओ गाड़ी, अगर जुर्माना हुआ तो मैं दूंगा, तो वो उसको तहफुज फराम कर रहा है। इस मुआहिदे के तहत मुआदला जिसके हक में मुआहिदा हुआ कि मदरजा जैल हकूक पैदा होते हैं, कि जिसकी फेवर में ये मुआहिदा है, जिसको तहफुज दिया जा रहा है, उसके राइट्स पैदा हो गए। मुआहिदा क्या है बेसिकली? दो फरीकों के दरमियान जो बात तय होती है उससे दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। जब एक मुआहिदा होता है तो दोनों पार्टियों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं और रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या हकूक पैदा होते हैं? जिम्मेदारी या नुकसान उठाने का हकदार होता है, इखराजात या मुआवजे वगैरह का हकदार होता है, मुसालत का हकदार होता है। अलिफ ने बे से यह मुआहिदा किया, अगर जीन की तरफ से किसी कानूनी कार्रवाई के नतीजे में बे को माले नुकसान पहुंचा तो वो अलिफ उसका जाला करेगा, यह मुआहिदा इब्रा। तो हमने ये देखा कि मुआहिदा इब्रा तहफुज का नाम है, मुआहिदा इब्रा दो पार्टियों के दरमियान है और इसमें दूसरी पार्टी को फरीके दोयम को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर जीन कोई फरीक उसके साथ आपका नुकसान होता है तो मैं वो नुकसान से आपको बरी करता हूं, मैं वो लायबिलिटी लेता हूं। मुआहिदा इब्रा ये है, इसमें तहफुज भी है और इसमें बरियत भी है और ये दो लोगों के दरमियान है। अब हम दूसरा देखते हैं मुआहिदा जमानत। ये अक्सर हमें पता होता है जमानत का गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी जमानत ली गई हो कि ये काम मैं परफॉर्म करूं, अगर इसने ये लायबिलिटी परफॉर्म ना की तो ये मैं परफॉर्म करूंगा। जमानत से मुराद ऐसा इकरार जिम्मेदारी है जो किसी दूसरे शख्स के कसूर कर्ज बदमामली की बाबत किया जाए। गारंटी में यह है कि अगर उसके कर्ज कसूर या बदमामली के बाबत गारंटी दी जाती है। कानून मुआहिदे की दफा 126 में मुआहिदा जमानत को एक ऐसा मुआहिदा कहा गया है जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से इस शर्त पे करे कि शख्स सालिस अगर अपने अहद या इफा या जिम्मेदारी की बजावरी से कासर रहे तो वो इस अहद या जिम्मेदारी का अहद करेगा, कि अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो वो इफ
खलीफा या अहद महद हुआ करे। महायदा इब्राहिम में वो उसको बरी कर रहा है, यहां पर वो परफॉर्म कर रहा है कि मैं परफॉर्म करूंगा। मुहायदा जमानत में वो मुहायदा है जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से इस अहद पर शर्त करे कि अगर शख्स सालिस अपने अहद का ईफा ना करेगा, जिम्मेदारी के ईफा से कासिर रहेगा, तो वो शख्स अहद का ईफा करेगा या जिम्मेदारी को पूरा करेगा। मुहायदा जमानत एक किस्म का जमानत नामा है। देखिए ये सारी चीजें, ये बिजनेस लॉ है बुनियादी तौर पे, ये सारी चीजें क्यों रखी गई हैं? ताकि बिजनेस को आसान बनाया जा सके, बिजनेस में सहूलत पैदा की जा सके कि अगर एक शख्स को कोई चीज लोन पर देना चाहता है और उसे खतरा है कि ये शख्स मुझे नहीं देगा, तो वो उसकी जमानत ले ले ताकि वो शख्स ना दे तो वो दे। ज्यादातर हमारा ये बिजनेस जो है जमानत नामों पर चलता है कि उसकी चीजें फरोख्त हो सके, उसको प्रॉफिट मिल सके, तो कानून भी इसको गारंटी करता है कि इस किस्म का अगर मुआहदा जमानत होगा, अगर वो कोर्ट में चैलेंज होगा, तो उसकी शराइत के मुताबिक कोर्ट जो है पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमिन करेगी। अगर एक शख्स कोई फेल या अहद या जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर रहा, तो बतौर जमानत नामा दूसरा शख्स ये फेल अहद या जिम्मेदारी पूरी करेगा। अब इसकी मिसाल हम देखते हैं। जैद बकर से ये अहद करता है कि अगर वो ताहिर को 10,000 रुपए दे दे तो ताहिर ये रकम एक माह में वापस कर देगा। अगर ताहिर ये रकम एक माह में वापस नहीं करेगा तो वो खुद जैद की रकम अदा करेगा। ये मुआहदा जमानत नामा है। इसमें तीन फरीक हैं। मुआहदा इब्राहिम में दो फरीक हैं, अलीफ और बे के दरमियान मुआहदा हो रहा है और वो बे को बरी कर रहा है। यहां अलीफ और बे के दरमियान मुआहदा हो रहा है। तीसरा जमानत नामा फरीके अव्वल, फरीके दोयम और तीसरा जामिन जो जमानत दे रहा है। मुआहदा जमानत में दीगर मुआहदात के बरक्स तीन फरीक होते हैं। इस किस्म का मुआहदा तहरीरी या जबानी हो सकता है, तहरीरी या जबानी हो सकता है। इसमें बुनियादी शर्त यह है कि मदयून का वजूद हो। अगर मदयून ही ना हो तो फिर जिम्मेदारी किसके लिए होगी? ऐसी सूरत में जामिन मदरजा ज़ाहिर हकूक का मुस्तहिक है। इसकी तफसीर दफा 140-145 कानून मुआहदे में मौजूद है। तो अगर फरीके दोयम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, वो पैसे 10,000 जो कर्ज लिया है उसने वो अदा नहीं करता, तो वो सारी जिम्मेदारी जामिन पर चली गई। तो कानून ये कहता है कि जब जिम्मेदारी जामिन पर जाएगी तो फिर उस मामले के हवाले से उसके हकूक डेवलप हो जाएंगे। जब वो जिम्मेदारी पूरी करे वो क्या हकूक है? खिलाफ वर्जी अहद अजा मदायून दाइम मदायून फरीके अव्वल दाइम फरीके दोयम मदायून। मदायून की सूरत में मदायून के हकूक जामिन को हासिल होते हैं। हक के नालिश जामिन को मिल जाता है। जब वो जिम्मेदारी पूरी कर रहा है उस हवाले से अगर उसे कोई ग्रीवनेस होगी तो कोर्ट में जाने का हक के नालिश का हक उसे हो जाता है। किफालतों पर मुनाफे का हक जामिन को मिल जाता है। किसी नुकसान और मुआवजे का हकदार ठहरता। समझने वाली बात यह है कि जब फरीके दोयम मदायून अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो वो 100% जिम्मेदारी शिफ्ट हो गई जामिन पर, तो जामिन के लीगल राइट्स तो डेवलप हो जाएंगे उसको। तो वो लीगल राइट्स क्या क्या है? खिलाफ वर्जी अहद मदायून की सूरत में मदायून के हकूक जामिन को हासिल हो जाते, आपके नालिश भी जामिन को मिल जाता है, किफालतों पर मुनाफा भी किसी नुकसान और मुआवजे का हकदार ठहरता है। इस किस्म के हकूक जामिन को उस सूरत में मिलते हैं कि वो मुआहदे पर अमल करे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अगर वो मुआहदे पर जामिन अमल करेगा तो उसको ये हकूक मिलेंगे, अगर वो अमल नहीं करेगा तो ये हकूक उसको नहीं मिलेंगे। हम आखिर में देखते हैं कि मुआहदा इब्रा और मुआहदा जमानत में मदरजा ज़ैल पर डिफरेंस क्या है, दोनों मुआहदों में डिफरेंस क्या है।
मुआहदा इब्राह में दो फरीक होते हैं जबकि मुआहदा जमानत में तीन फरीकों के मबैन होता है। मुआहदा इब्राह में दो फरीक, एक फरीक अव्वल एक फरीक दोयम, फरीक दोयम को वो बरी करता है फ्यूचर में होने वाले नुकसान से, क्या पता ना भी हो नुकसान, जबकि मुआहदा जमानत में वो जमानत लेता है। मुआहदा इब्राह किसी इम्कानी नुकसान की जिम्मेदारी है कि मुआहदा इब्राह जो है वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, किसी इम्कानी नुकसान की जिम्मेदारी है, जबकि मुआहदा जमानत कर्जा या अहद की तकमील की जिम्मेदारी है, कर्जा या अहद की तकमील करने की जिम्मेदारी है। मुआहदा इब्राह में फरीकैन मुआहद और मुआदला कहलाते हैं, और जबकि मुआहदा जमानत में फरीकैन दायन मदायून और जामिन कहलाते हैं। मुआदला की रजामंदी मुआहदा इब्राह में जरूरी है, फरीके दोयम मुआदला मुआहदा जमानत में जामिन की रजामंदी जरूरी है, मुआहदा जमानत में जामिन की रजामंदी जरूरी है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलमेंट डिफाइन, ये भी बहुत दफा आया हुआ है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन बेलमेंट, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेलर एंड बेली, तहवीले जमानत से क्या मुराद है, वजाहत करें, नेज अमानत दहिंदा और अमीन के फराइज और जिम्मेदारियां क्या हैं। अब हम ये देखते हैं तहवीले जमानत बेलमेंट, तहवीले जमानत कि किसी की जमानत में तहवील में कोई चीज देना, उस हवाले से क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। तहवीले जमानत भी एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है, मैंने आपको बताया हमारी जिंदगी के जो मामला है 90% मामला वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है, जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है और जो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है वो एग्रीमेंट है। हर वक्त हम बात कर रहे थे, बुक की किताब खरीदने गए हैं, किसी दुकान पर गए, कहीं गए, किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो इजाब कर रहा है, हम कबूल कर रहे हैं, हम ऑफर कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो हर वक्त हम जिंदगी में ये काम कर रहे होते हैं। तहवील जमानत किसी एक शख्स की जानिब से दूसरे शख्स को किसी गर्ज के लिए इस अहद से मान लिया जाए कि जब गर्ज मजकूरा हासिल हो जाए तो माल वापस कर दिया जाएगा या हवाला करने वाले की हिदायत के मुताबिक उसकी निस्बत और तौर पर अमल किया जाएगा, तो ये तहवील जमानत होगी। अगर एक शख्स दूसरे शख्स के माल पर काबिज हो और उस माल को बतौर अमीन रखने का मुआहदा करे तो वो इस मुआहदे के रूप से अमीन और मालिक माल अमानत दहिंदा हो जाएगा, तो ऐसा माल बतौर तहवील अमानती हवाला ना किया गया हो। तहवील जमानत में एक शख्स कोई चीज दूसरे शख्स को किसी खास गर्ज या खास मकसद के असूल के लिए हवाले करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तहवील जमानत के जमानती तौर पर तहवील में देना कि कोई चीज दूसरे शख्स को किसी खास या मकसद के लिए देता है कोई भी चीज, तो वो तहवील जमानत कहलाएगी। जब वो गर्ज या मकसद पूरा हो जाता है या तो वो माल वापस ले सकता है, वो माल वापस ले या उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए। तहवील जमानत एक मुआहदे के तहत होती है, अमानत दहिंदा को अमानत दहिंदा बेलर और अमीन बेली कहलाता है। इसमें एक चीज अमानत के तौर पर दूसरे के पास रखवाई जाती है और उसके बाद अगर वो चाहे तो वो वापस ले ले, नहीं तो वो उसकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट के बेलमेंट की खसूसियात क्या हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे काइंड्स। स्टूडेंट्स नंबर लेने के लिए ये बहुत से स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हम पूरा पेपर करके आए हैं, लिख कर आए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन हमारे नंबर नहीं आए।
वो क्वेश्चन की नेचर को नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कि कैरेक्टरिस्टिक बयान करें या बेलमेंट की काइंड बयान करें। अब काइंड बयान की है तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखा है, कि ये चीज समझना, क्वेश्चन की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को आप समझें, उसने पूछा क्या है और उसकी मजीद हेडलाइंस है। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही देता हूं कि गाड़ी है, कि ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि अनासिर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है और काइंड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक गाड़ी है, उसके अनासिर का क्या कॉन्सेप्ट होगा कि वो किन चीजों से मिलकर बनी। तो अगर हम टॉपिक देखेंगे, उसमें वो पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनासिर क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अनासिर लवाजमात एक ही चीज है जो मैंने शुरू में आपको बताया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्सिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे कि गाड़ी के अनासिर क्या है, तो गाड़ी बेसिकली लोहा, प्लास्टिक और इन चीजों से मिलकर बनी होती है। अगर हम ये देखेंगे कि गाड़ी की खसूसियात क्या है, कोई भी गाड़ी है, हम देखेंगे कितने सीसी है, क्या है, कैसी है, कौन सा कलर है, ये उसकी खसूसियात में आ जाता है। इसकी खूबियां क्या है, ऑटोमेटिक है या नहीं है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि काइंड्स क्या होती है, उसकी किस्में, कि गाड़ी की कौन कौन सी किस्में हैं, तो वो हमें बयान करनी होती है। इसी तरह हमें देखना है काइंड्स ऑफ बेलमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट में क्या है जी, कि एक जो जमानती मुआहदा होता है उसकी खसूसियात क्या है। एक मुआहदा तो हो गया तहवील जमानत में रखने का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। बवक्ते मुआहदा तहवील जमानत में चीज का कब्जा या हवालगी अमीन को होना जरूरी है, कि अमानत दहिंदा जो है वो अमीन को मुआहदे के वक्त वो चीज हवाले करेगा। अगर हवाले नहीं करेगा तो वो तहवील जमानत क्या होगा। हवालगी या कब्जा एक खास मकसद या गर्ज से होता है, कि वो जो हवालगी या कब्जा दिया गया वो एक खास मकसद के तहत होना चाहिए। बकायदा मुआहदे के तहत तहवील जमानत वजूद में आती है, कि उनके दरमियान बकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके तहत तहवील जमानत वजूद में आए। गर्ज या मकसद पूरा हो जाए तो अमानत दहिंदा माल वापस ले सकता है। क्या अमानत दहिंदा वो माल वापस ले सकता है जो उसने उसको अमानत के तौर पर रखा है। अमीन ऐसे माल को वापस ना लेने पर अमानत दहिंदा की हिदायत के मुताबिक अमल करता है। ये हो गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलमेंट। अब हम देखेंगे दी काइंड्स ऑफ बेलमेंट, कि बेलमेंट कितनी अकसाम की होती है, कितनी अकसाम की बेलमेंट होती है। जैसे हम गाड़ियां देखते हैं कितनी किस्मों की होती है, मुख्तलिफ किस्मों की गाड़ियां होती है, इसी तरह बेलमेंट कितनी अकसाम की होती है। तहफ्फुज़ या हिफाजत की खातिर दी जाने वाली चीज तहवील अमानती है, कि जो तहफ्फुज़ और हिफाजत की खातिर दी जाने वाली चीज एक किस्म हो गई जमानत की। जमानत की दूसरी किस्म क्या है, किरायेदारी का असूल तहवील जमानती, कि साइकिल वाला को रेंट पर चीज दी जाती है वो भी तहवील जमानती में आएगी। दूसरी किस्म, पहली किस्म क्या है हिफाजत की खातिर दी गई, दूसरी किस्म क्या है किरायेदार का असूल तहवील जमानती। तीसरी किस्म, कोई भी चीज किसी मुतालिका शख्स को मुरम्मत करने के लिए देना तहवील जमानती, मुरम्मत के लिए आप दे रहे हैं उसको, ठीक करने के लिए दे रहे हैं। गिरवी या रहन भी तहवील जमानती के जुमरे में आता है। गिरवी रहन, कि आप गिरवी प्लेज क्या होता है, कि आप एक चीज देते हैं, गोल्ड देते हैं, उसके बदले में लोन लेते हैं, तो जो चीज आप गिरवी या रहन देते हैं वो भी तहवील जमानती में आती है। आगे हम दोनों के किरदार पढ़ेंगे कि दोनों पार्टीज की क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, क्या जिम्मेदारियां हैं। कि गिरवी या रहन में आप कोई चीज रखते हैं, अब कुछ लोग फ्रॉड करते हैं कि गिरवी और रहन में गोल्ड रख के ले लिया, कर्ज दे दिया, वापसी पर वो गोल्ड लेने आए तो उनको वो जाली गोल्ड बनाकर वापस कर दिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई चीज वापस करें। माल की नकलो हमल के लिए माल ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले करना तहवील जमानती है, कि हम ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले माल करते हैं वो भी तहवील जमानती है, ये भी एक किस्म है। कोई चीज
बगैर मुआवजा या आर्यतन देना भी तहवील जमानती है। ये हमने उसकी छह किस्म की अकसाम पढ़ ली। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अकसाम बयान करें तो ये छह अकसाम आपने बयान करनी है। अब है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेलर। मुआहिदा किन दो के दरमियान हो रहा है, अमानत दहिंदा और अमीन, बेलर एंड बेली। मैंने आपको ये उसूल बताया है कि दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है और रेसिप्रोकल है, कि जो बेलर के राइट्स हैं वो बेली की ऑब्लिगेशन है, जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर की ऑब्लिगेशन है। तहवील जमानती से मुतालिक दफा 147-171 कानून मुहैदा अमानत दहिंदा और अमीन की जिम्मेदारियों और फराइज से मुतालिक हैं। ज़ैल के सफात में हम पहले अमानत दहिंदा के फराइज और जिम्मेदारियां गिनवाते हैं। अमानत दहिंदा माल के अयूब जाहिर करेगा, उसके ऐब जाहिर करेगा। अमानत दहिंदा का फर्ज और जिम्मेदारी है कि जो चीज वो बतौर अमानत अमीन के हवाले कर रहा है उसके नकाइस और अयूब जाहिर करे, जिससे अमानत दहिंदा खुद वाकिफ हो और जिससे माल मुतालका से मुतालिक किसी खसूसी निगहदाश्त का किया जाना जरूरी हो। अगर अमानत दहिंदा ऐसा नहीं करता तो वो खुद नुकसान का जिम्मेदार। अब आपको वैक्सीन देते हैं, उसको फ्रिज में रखना है, तो ये अमानत दहिंदा का काम है वो बताए। कोई चीज है अगर उसके उसके कुछ नकायस उसको पता है तो वो तमाम नकायस उसके सामने वाजे करे, उसकी खसूसी निगहदाश्त करनी है तो वो उस पर वाजे करेगा। जैद एक कार बकर से किराए पर हासिल करता है, इसकी मिसाल है। कार में ऐसा नुक्स है जो जानी व माली नुकसान का बाइस बन सकता है, कि कार में कोई ऐसा नुक्स है जो जानी या माली नुकसान का बाइस बन सकता है। अब अगर बकर जैद पर इस नुक्स का जाहिर नहीं करता और कोई नुकसान हो जाता है तो बकर खुद नुकसान का जिम्मेदार होगा, अलावा अजीज जैद बकर से मुआवजा भी हासिल कर सकता है। कि उसमें कोई नुकसान है, कोई चीज ऐसी है, वो बतानी इंतहाई जरूरी है, ये उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। नंबर दो, अमानत दहिंदा अखराजात बर्दाश्त करे। अमानत दहिंदा का फर्ज है ये कारोबार को बेसिकली रेगुलेट करना, कारोबार को ये रेगुलेट किया जा रहा है इन असूलों के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट कारोबार बुनियादी तौर पर है ही कॉन्ट्रैक्ट, हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ अकसाम क्या है कि इस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इंडेमनिटी हमने पहले पढ़ा, उस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, गारंटी पढ़ा, उस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ अकसाम है कॉन्ट्रैक्ट की, ताकि उससे बिजनेस आसान हो। अमानत दहिंदा अखराज बर्दाश्त करे। अमानत दहिंदा का फर्ज है कि वो अमीन के हवाले की जाने वाली चीज की खसूसी निगहदाश्त और हिफाजत पर उठने वाले अखराज करता है। दूसरी चीज यह कि अगर उसमें कोई एक्सपेंस होते हैं, चीज उसकी है, दूसरे की जमानत में दे रहा है, तो खर्चा तो उसे ही बर्दाश्त करने चाहिए, खसूसन जब हवालगी या कर्जा ऐसी शय का हो जबकि अमीन उससे कोई मफाद ना हासिल कर सके। तहवील अमानती में अगर मुतालका चीज को रखने पर खराजात हो तो ऐसे खराजात अमानत दहिंदा बर्दाश्त करेगा। अगर वो चीज किसी के पास रखवाता है और खराजात होते हैं तो वो खराजात जो है अमानत दहिंदा बर्दाश्त करेगा। अलिफ सौ बोरी खाद अमानत बे के हवाले। अब खाद को हिफाजत से रखने के लिए गोदाम की जरूरत है। बे अगर तो गोदाम किराए पर हासिल करता है तो अलिफ का फर्ज है कि वो बे को गोदाम का किराया दे। अब वो 100 बोरियों से देता है कि आप तहवील जमानती में रखें, तो उसके लिए वो कोई गोदाम हायर करता है, तो उस गोदाम का किराया जो है वो अमानत दहिंदा देगा। आर्यतन और बगैर मुआवजा शय से नुकसान की तलाफी भी करेगा। माल अमानती की वापसी, माल जमानती की वापसी अमानत दहिंदा का फर्ज है और हक भी कि वो चीज वापस लेगा। तहवील अमानती में हवालगी या कब्जा किसी खास मकसद के तहत होता है। अब अगर वो मकसद हासिल हो जाए तो अमानत दहिंदा का फर्ज है कि माल मजकूरा वापस हासिल करे, कि उसने एक मखसूस मकसद के लिए उसे चीज दी, कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो मकसद उसका हासिल हो गया है तो वो उस चीज को वापस ले। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अमीन उससे मजीद जिम्मेदारियों का तकाजा करता है, अमानत दहिंदा जिम्मेदार। अब वो उसके पास बोरियां रखवा देता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि उसने एक महीने के लिए रखवाई है, किसी खास सीजन के लिए रखवाई है, उसके बाद भी अगर वो रखता है तो लायबिलिटीज जो है वो अमानत दहिंदा की तरफ हो
बकाया उसका देगा। अब आगे अमीन के फराइज और जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेली, खसूसी हिफाजत व निगहदाश्त। अमीन का फर्ज है कि माल अमानती की खसूसी निगहदाश्त करे। एक शख्स जब अमीन की हैसियत कबूल करने पर राजी हो जाता है तो उसे उस शय की निगहदाश्त और हिफाजत इस अंदाज में करनी चाहिए जिस अंदाज में वो अपनी जाती चीज की हिफाजत आमतौर पर करता है। मतलब है उसको ऑनेस्ट होना चाहिए कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारी कबूल की है उस जिम्मेदारी पर वो ऑनेस्टी से अमल करे। अमीन को किसी किस्म की गफलत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। मामूली गफलत हो या शदीद गफलत, अमीन की लापरवाही तसव्वुर होगी और अमीन नुकसान का जिम्मेदार ठहरेगा अगर वो गफलत करता है। अकबर असगर को बतौर तहवील जमानती ऐसी दवाई देता है जिसे एक खास दर्जा हरारत में रखा जाता है। अकबर बवक्त हवालगी असगर को इस हवाले से खसूसी हिफाजत करने से मुतालिक आगाह भी कर देता है। अब अगर असगर लापरवाही करता है और दवाई को नामुनासिब दर्जा हरारत पर रखता है जिससे दवाई खराब हो जाती है तो असगर इस लापरवाही का जिम्मेदार है। जब उसे पहले बता दिया गया था कि इस टेम्परेचर पर रखना है, अगर वो नहीं रखता और वो खराब हो जाती है तो उसका वो जिम्मेदार है। देखें कानून जो है वो गलत रवैयों को, कानून रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है, तो अमूमन गलत रवैयों को कानून कंट्रोल करता है। अब ये गलत रवैया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वादा किया है और अगर उसके मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो नुकसान का जिम्मेदार वो शख्स। शराइत के मुताबिक अमल, अमीन का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो शय मुतालिका से उन शराइत के मुताबिक अमल करे जो बवक्ते हवालगी अमानत दहिंदा ने आयद की हैं और अमीन ने कबूल की हैं। उसने जो शराइत आयद की और उसने वो कबूल की कि मैं इस टेम्परेचर पर ये दवाई रखूंगा तो वो उस पर अमल करे। शय मुतालिका के बारे में कोई ऐसा फेल ना करे जिससे उसे रोका गया है और कोई ऐसा तर्क फेल ना करे जिसे करने के लिए उसे कहा गया है। जिम्मेदारियों के हवाले से कोई फेल ऐसा होता है जो रोका जाए कि ये नहीं करना और ये बास फेल ऐसे होता है कि ये करना है तो वो तमाम जिम्मेदारियां अपनी पूरी करे, बिला इजाजत इस्तेमाल ना करे। अगर मुआहदे की शराइत के मुताबिक अमीन माल अमानती को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसे ऐसे करने से इज्तनाब करना चाहिए, अलबत्ता इस अमल की इजाजत हो तो दुरुस्त। अगर उसकी इजाजत हो, अगर अमानत दहिंदा अमीन को इजाजत दे कि आप इस पर इसको अपने जाती इस्तेमाल में भी ला सकते हैं तो आप उसकी इजाजत से इस्तेमाल कर सकते हैं। अली बतौर अमानत एक घोड़ा बे के हवाले करता है। घोड़ा बीमार है, उस पर ना तो सफर किया जा सकता है और ना ही उसे तांगे या रेड़े वगैरह में जोता जा सकता है। अली बे को ये सब कुछ देता है और शरायत मायदा में भी शामिल है, इसके बावजूद बे ऐसा करता है और घोड़ा मर जाता है तो बे नुकसान का जिम्मेदार है। कि अगर वो बीमार घोड़े को काम लेता है और उससे वो घोड़ा मर जाता है तो उसमें अमीन जिम्मेदार है। यहां अमानत दहिंदा के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। माल अमानती की वापसी, मुआहदा की मियाद खत्म होने के बाद या जिस गर्ज या मकसद के हवाले से तहवील अमानती हुई है और उसके हसूल के बाद अमीन का फर्ज और जिम्मेदारी है कि वो माल अमानती अमानत दहिंदा को वापस कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अमानत दहिंदा उसके खिलाफ असल मालिक की वापसी के अलावा नुकसान या हर्जाने की नालिश कर सकता है कि अगर वो माल वापस नहीं करता। देखें हमारे स्टेट ने एक मैकेनिज्म बनाया कि जब एक मुआहदा हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ को रिकॉग्नाइज करता है, तो अगर वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा, बजाय तो मुआहदा एक स्टाम्प पेपर पर लिखा होता है, तो उस मुआहदे को अदालत में चैलेंज किया जाएगा, अदालत में उस शख्स को बुलाया जाएगा और उस शख्स को कहा जाएगा इसका माल इसको वापस करो। ये हमारा लीगल सिस्टम है, हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदले में हमें ये सर्विसेज हुकूमत मुहैया करती है। जो इदारे हुकूमत ने कायम किए हुए हैं वो सर्विसेज मुहैया करते हैं, पब्लिक सर्वेंट होते हैं उन इदारों में काम करने वाले लोग, आवाम की खिदमत करते हैं। तो आप देखें कि एक स्टाम्प पर मुआहदा जो लिखा जाता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, स्टेट की पावर के जरिए उस पर अमल दरामद कराया जाता है।
ताकि आप बिजनेस कर सके, आपको सहूलत मिल सके। माल तलफ या गुम होने पर जिम्मेदारी, अगर अमीन की तहवील में माल अमानती तलफ हो जाए या गुम हो जाए तो अमीन इसका मुआवजा अदा करने का जिम्मेदार ठहरेगा। क्या अगर वो गुम हो जाए तो वो जिम्मेदार ठहरता है। अगर वो साबित कर दे कि उसने किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा नहीं किया और हर मुमकिन तरीके से माल अमानती की हिफाजत की है तो वो बरी जिम्मा ठहरेगा, वरना यही कयास किया जाएगा कि माल उसकी लापरवाही और गफलत से गुम हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से है। इसमें हम एक डॉक्ट्राइन को देखेंगे, मुश्तरी होशियारबाज। अक्सर आपने सुना होगा मुश्तरी होशियारबाज लिखा होता है, कई बोर्ड्स पर लिखा होता है, कई अदालती इश्तहारों में लिखा होता है मुश्तरी होशियारबाज। मुश्तरी होशियारबाज की इस्तलाह मुआहदा बै में इस्तेमाल होती है। किसमें होती है? मुआहदा बै में। हर किस्म के मुआहदे हैं। अभी हमने जो मुआहदा तहवील जमानत पढ़ा है यह मुआहदा बै में होती है, सेल में, जिसमें जो कॉन्सिडरेशन होती है, जो गिव एंड टेक होता है वो उसमें जो है अमाउंट दी जाती है सेल में। आम मफहूम यह है कि मुश्तरी जिस चीज की खरीद का मुआहदा करे उसको अच्छी तरह देखभाल कर खरीद करे। कि अगर मुश्तरी जो है वो जो चीज खरीदे, जो बायर है जो चीज खरीदे उसे अच्छी तरह देखभाल करे। यह मुश्तरी होशियारबाज है, कैवियट एम्प्टर, और इस अमर की तसल्ली करे कि जो चीज बिल्कुल सही हालत में है। अगरचे कानून बै माल में चंद असूल और मानवी शरायत शामिल होती है, लेकिन मानवी शरायत कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मानवी शरायत होती है कि वो लामहाला वो उस पर अमल दरामद किया जाता है, अदालत उसको डिटरमिन करती है कि उसने उस पर बगैर बताए अमल करना होता है, लेकिन फिर भी मुश्तरी की जिम्मेदारी होती है कि वो माल को अच्छी तरह चेक करे। बाद में अगर कोई नुकसान सामने आया तो वो खुद जिम्मेदार होगा कि वो जो चीज खरीद करे उसको अच्छी तरीके से देखे कि वो कैसी है, वो जो बता रहा है आया ये वैसे मौजूद है या नहीं है। वो माल को अच्छी तरह चेक करे और बाद में अगर कोई नुक्स सामने आया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। इस इस्तलाह के इस्तेमाल का मकसद दरअसल बाय को जिम्मेदारियों से सबकदोश करने और जिम्मेदारियां मुश्तरी पे डालना। मुश्तरी होशियारबाज के जिम्मेदारी बाय से मुश्तरी पे डालनी है, सेलर से बायर पे डालनी है। मुश्तरी को अपनी हिफाजत आज खुद करना होती है और खुद को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी इसकी है, क्योंकि कोई भी माल जो मुश्तरी खरीद करता है अपने खतरे और जिम्मेदारी रिस्क एंड लाइबिलिटी पर खरीद करता है, सिवाय इस सूरत के जब फ्रेब का दखल, अगर फ्रेब का दखल हो तो वो फिर अपने राइट्स के लिए जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो खतरा और जिम्मेदारी को देखकर चीज खरीदे। इसकी मिसाल हम लेते हैं, अलिफ एक घोड़ा बे को फरोख्त करने का मुआहदा करता है, घोड़ा कीमत के इवज बे के हवाले कर दिया जाता है, बाद अज़ां मालूम होता है कि घोड़ा सही हालत में ना था। यहां मुश्तरका जिम्मेदारी है, उसका फर्ज था कि वह अच्छी तरह तसल्ली करे और फिर घोड़ा खरीदे, क्योंकि बाय का यह फर्ज नहीं है कि वो अपने माल की खामियां हर किसी को बताता फिरे। अगर उसने खरीदना है तो मुश्तरी होशियारबाज, मुश्तरी को होशियारबाज होना चाहिए कि वो जो चीज खरीद रहा है तो खरीदने से पहले, उसकी कीमत अदा करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, कंसीडरेशन करने से पहले,
वो ये देखें कि इसमें क्या क्या नुक्स हो सकते हैं। मदरजा जाला मिसाल में बेग को अब हासिल ना है कि वो मुआहदे को मनसूख कर दे और घोड़े को मुस्तरद कर दे, क्योंकि मुआहदे में घोड़े में नुक्स के ना होने या तंदुरुस्त होने का कोई जिक्र मौजूद नहीं, ये शर्त ही मौजूद नहीं है। आपने घोड़ा देखा, आपने उसने कहा इतने पैसे हैं, आपने इतने पैसे हैं, कंसीडरेशन तय किया, आप ले आए, तो आपके एग्रीमेंट में तो ये चीज है ही नहीं। मुश्तरी की जिम्मेदारी थी कि वो अच्छी तरह तसल्ली करता, अलबत्ता अगर अलिफ ने फरेब किया या बे के मालूम करने पर भी घोड़े के नुक्स को छुपाया हो या मुआहदे में कोई शर्त शामिल हो कि घोड़े में कोई नुक्स हो, नुक्स ना होगा और तंदुरुस्त होगा, तो बेजिम्मेदार नहीं बनेगा बल्कि जिम्मेदारी अलिफ पर होगी कि अगर उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर इस घोड़े में कोई नुक्स निकला तो अलिफ जिम्मेदार होगा, तो फिर कोई नुक्स निकलता है तो फिर वो लाइबिलिटी जो है अलिफ की तरफ चली जाती है। लेकिन जो यहां कॉन्सेप्ट दिया गया मुश्तरी होशियार बाज का, राइट्स हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखे जाए, लेकिन मुश्तरी को होशियार बाज होना चाहिए, मुश्तरी को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो ये देखे कि इसमें क्या मसला। अगर ये शर्त शामिल नहीं है तो मुश्तरी को होशियार बाज होगा तो उसका मसला हल होगा, अदरवाइज वो चीज उसे कबूल करनी पड़ेगी। कानून सुस्त आदमी की कोई मदद नहीं करता, जैसे कहते हैं ना मुद्दे ही सुस्त गवाह चुस्त, कि कानून सुस्त आदमी की मदद नहीं करता। डिले डिफीट इक्विटी, कि जो सुस्त आदमी है विजिलेंट होना चाहिए अपने राइट के बारे में, कि आपका जो राइट है अवाम ने ही लेजिस्लेशन करवाई है, जो एमएनए मुंतखब किए हैं, तो वो लेजिस्लेशन बेसिकली अवाम ने कराई, तो अवाम को अपने उन कवानीन से वाकिफ होना चाहिए, उनके अपने हकूक का उन्हें पता होना चाहिए और वो उसके मुताबिक अपने हकूक ले। मुश्तरी होशियार बाज की इस्तिलाह को इस हवाले से भी समझा जा सकता है कि मुश्तरी अगर अपने हकूक के तहफ्फुज में सुस्ती करता है या कोताही बरतता है तो खुद जिम्मेदार। अभी लिमिटेशन एक्ट किसके लाया गया कि अपील की लिमिटेशन और दूसरी लिमिटेशन रखी गई, इसका मकसद किसी का हक लेना नहीं है, इसका मकसद है कि लीगल सिस्टम को एफिशिएंट करना, बर वक्त इंसाफ मुहैया करना। अगर एक रियासत बर वक्त इंसाफ मुहैया ना करे तो लोग कैसे मुतमईन हो, तो उसके लिए बकायदा लिमिटेशन रखी जाती है, उसके कवानीन बनाए जाते हैं, वो गजट में शाया किए जाते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि कानून का इल्म ना होना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो इसी तरह सुस्त होना भी जो है वो आप खुद उस नुकसान के जिम्मेदार होते हैं, इस नुकसान की जिम्मेदारी किसी दीगर शख्स पर नहीं डाली जा सकती। अपनी कोताही और सुस्ती की सजा वो खुद बर्दाश्त करता है, कि वो जो कोताही करता है वो उसे खुद बर्दाश्त करता है। मुश्तरी होशियार बाज बुनियादी तौर पे मुश्तरी को विजिलेंट बनाने के लिए, आमतौर पर इस मकूले से ये मतलब अखज़ किया जाता है कि मुश्तरी को बवक्ते खरीद मुकम्मल तौर पर होशियार रहना चाहिए, कि खरीद के बाद जब वो कोई चीज खरीद रहा है तो उसको सेंसेबल होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। देखिए इस्लाम ने कहा है कि अगर आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप तीन दुकान से जाकर रेट मालूम करें, तीन दुकानों पर आप जाएं और तीन जगह से जाकर चीज देखें। मेरा ख्याल है कि जब आप कोई भी चीज तीन जगहों पर जाकर देखते हैं तो आप उसकी आपको उसकी कीमत का भी अंदाजा हो जाता है और चीज की क्वालिटी का भी किसी हद तक अंदाजा हो जाता है, और जो माल भी खरीद करे उसकी अच्छी तरह छानबीन करे, उसके मुकम्मल तौर पर सही होने का जायजा ले और फिर खरीद करे। अगर वो ऐसा नहीं करता और लापरवाही बरतता है तो उसे नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। मुश्तरी होशियार बाज एक नजरिया है, डॉक्ट्राइन है। ये क्वेश्चन दिया गया है, What is the principle of quoad emptor? What are the exceptions to it? तो ये एक डॉक्ट्राइन है, ये एक नजरिया है जो खरीदार को दिया गया है, तो वो इसके मुताबिक जो है वो खरीदारी करे, मुश्तरी होशियार बाश रहे। अगर वो सुस्त रहेगा और अपने मामले में विजिलेंट नहीं होगा और उस मुआहदे में इस किस्म की कोई शर्त भी शामिल नहीं होगी
तो वो चीज उसको कबूल करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कंडीशन एंड वारंटी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय कंडीशन एंड वारंटीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स? डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। माहिदा फरोख्त माल में वादों और शराइत से क्या मुराद है? वादा और शर्त में फर्क बयान करें। कंडीशन एंड वारंटी। डिफाइन एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ए कंडीशन एंड ए वारंटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ए कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज वारंटी। मुआहिदा बै की जिम्मेदारी और शर्त की तारीफ करें और इसमें फर्क बयान करें। कब एक शर्त को जिम्मेदारी समझा जाता है? डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। एक्सप्लाइड इंप्लाइड एंड एक्सप्रेस वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। शर्त और कमानियत की तारीफ करें और दोनों में फर्क वाजे करें। एक मायदा फरोख में मानवी और बयानिया तमानियत की वजाहत करें। डिफाइन वारंटी एंड डिस्कस इन डिटेल द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड कंडीशन। राइट ए कंप्रोहेंसिव नोट ऑन वारंटी। व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी टू बायर? डिफाइन कंडीशन एंड वारंटी। डिस्कस इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटीज। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंडीशन एंड वारंटी किस में आते हैं। मुआहिदा बै में। मुआहिदा बै क्या होता है? खरीदो फरोख्त, जिसमें अमाउंट कैश इन्वॉल्व होता है। हम देखते हैं शर्त और वादा की तफसील वजाहत दफा 12 कानून बै माल में की गई है। दफा हाजा के अल्फाज का उर्दू तर्जुमा यूं है, शर्त जो है वो किसी मुहायदे की सब्सटेंटिव बात है। किसी मुहायदे की सब्सटेंटिव बात, और जो वादा है वो सब्सटेंटिव नहीं है, बुनियादी बात नहीं है। तो बुनियादी इख्तलाफ की सूरत में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं कोई भी मुआहिदा में बै जो माल से मुताल्लिक हो और उसमें मुआहिदे का नफ्से मजमून हो और उसमें अहदो पैमान बसूरत शर्त भी हो सकते हैं और बसूरत वादा भी। शर्त व अहदो पैमान है। शर्त सबसे पहले हम देखते हैं शर्त। शर्त वो अहदो पैमा है जो मुहायदे के असल मकसद के लिए जरूरी है और जिसकी खिलाफ वर्जी ऐसा हक पैदा करती है कि मुहायदा मंसूख ठहराया जा सके। कि कोई भी मुहायदा जिसमें शर्त जो है, अगर शर्त जो उसका बुनियादी बात है, सब्सटेंटिव बात है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो उस मुआहदे को आप खत्म कर सकते हैं, उस मुआहदे को आप वॉइड करा सकते हैं अदालत के जरिए। आपका हक डिवेलप हो जाता है। वादा एक ऐसा अहदो पैमा है जो मुआहदे के असल मकसद का मतवाजी लेकिन मुलहिक होता है, जिसकी खिलाफवर्जी हर्जाना के मुताबिक का मुजिब बन सकती है। गोया ये हक नहीं देती कि माल को मुस्तरद कर दिया जाए और मुआहदे को मनसूख करार दिया जाए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें यह बात समझेंगे। जीम दाल को एक घोड़ा जो जीम ने घोड़ दौड़ में जीता था फरोख करने का मुआहदा करता है। तय यह पाया कि जीम वही घोड़ा देगा और बजरिया ट्रेन रवाना करेगा। कि जो घोड़ दौड़ में जीता है वो ही घोड़ा देगा और बजरिया ट्रेन रवाना करेगा। मदरजा जिला बाद मिसाल में
शर्त भी मौजूद है और वादा भी। शर्त यह है कि जीन वही घोड़ा देगा जो उसने मुकाबले में जीता, सब्सटेंटिव बात, बुनियादी बात। मुआहिदा बै इस घोड़े का था जो जीन ने मुकाबले में जीता था, कि घोड़ दौड़ जो जीता वही घोड़ा उसने देना था। उसके साथ है वादा, जबकि वादा यह है कि जीन घोड़े को बजरिया ट्रेन भिजवाएगा, जीन घोड़े को बजरिया ट्रेन भिजाएगा। अब अगर वो बुनियादी चीज जो घोड़ दौड़ जीता है वो घोड़ा वो नहीं बेचता तो मुआहिदा को वाइट करार दिलवाया जा सकता है। अगर वो ट्रेन की बजाय भाई ट्रक भेज देता है तो उसने वादे की खिलाफ वर्जी, तो उस सूरत में वो मुआहिदा कैंसिल नहीं होगा, उसको हर्जाना मिलेगा। ये भी कारोबार में आसानी के लिए पैदा किया गया, छोटी छोटी बात पे मुआहिदा वाइड हो जाए तो कारोबार कैसे चलेगा। कि ये आसानी रखी गई है कि जब अदालतें इसकी इंटरप्रिटेशन करती हैं इस तरह के मुआहिदात की, तो उसमें देखती हैं कि शर्त क्या है और वादा क्या है। वादे की खिलाफ वर्जी हो तो वो कॉम्पनसेशन देती है, अगर शर्त की खिलाफ वर्जी हो तो वो मुआहिदा नल एंड वॉइड करार दे देती है। आया मुआहिदा बै माल में कोई अहदो पैमान शर्त या वादों, वादा उसका इनसार मुआहदे की ताबीर और तशरीह पर है। कोई ऐद और पैमान शर्त हो सकता है अगर जो उसे मुआहदे में वादा तहरीर किया गया हो। शर्त का ताल्लुक मुआहदे के नफ्स मज़मून या रूह से होता है जिसकी खिलाफ वर्जी मुआहदे की मनसूखी का सबब बन सकती है, जबकि वादे का ताल्लुक नफ्स मुआहदा या उसकी रूह से नहीं होता, उसकी खिलाफ वर्जी का सहारा लेकर मुआहदे को मनसूख नहीं किया जा सकता। हम एक और मिसाल लेते हैं, सूरत हाल को मजीद वाज़े करने के लिए जरूरी है कि शर्त और वादे का तय्यून किया जाए। मुआहदे के तहत जीन वही घोड़ा बेचने का पाबंद था जो उसने घोड़ दौड़ के मुकाबले में जीता था, यह शर्त थी और इसका ताल्लुक मुआहदे के नफ्स मज़मून या रूह से था, जबकि हिफाजत की खातिर घोड़े को ट्रेन में भिजवाना शर्त ना थी बल्कि एक वादा था जिसका ताल्लुक मुआहदे के नफ्स मज़मून या रूह से ना था। नेक्स्ट एग्जांपल, हर मुआहदे में अगर महसूस हालात होते हैं तो बाज़ औक़ात वक्त पर ज़रे बयाने की अदायगी ना करने को भी शर्त की बजाय वादे की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। मोरखा 30 मार्च 1950 को अंजुमन इमदादे बाही ने इकरारे बै किया कि वो मुसम्मी एस को बनोले के 1000 थैले मुबलिग 9.75 रुपए फी के हिसाब से फराम करेंगे। इस जिम्मे में मुबलिग 500 रुपए जरे बयाना वसूल होगा, कि उन्होंने जरे बयाना वसूल, मजीद 500 रुपए जरे दयाना 1 हफ्ते बाद अदा होना था। इतने पैसे 1 हफ्ते बाद हम अदा करेंगे। तय ये पाया कि खरीदार ये थैले 10 अप्रैल 1950 तक नकद रकम के इविज उठा लेगा। खरीदार ने मुआहदे के बरक्स मजीद 500 रुपए जरे दयाना 1 हफ्ते में अदा न किया, लेकिन 10 अप्रैल को नकद रकम के इर्ज थैले उठाने गया तो मैनेजर दादे बामी ने यह कहकर थैले देने से इनकार कर दिया कि वक्त पर मजीद जरे बयाने की अदायगी ना करने से मुआहदा मनसूख हो चुका है। अदालत आलिया लाहौर के फैसले का मफहूम है, अदायगी का वक्त इस मुकदमे में मुआहदे की रूह ना था, कि जो अदायगी का वक्त था वो इस मुकदमे में मुआहदे की रूह ना था, इस वजह से मुद्दई की तरफ से मजीद जरे बयाना अदा करने में नाकामी से मुआहदे से इनराफ ना किया जा सके, कि उन्होंने बर वक्त वो बयाना अदा नहीं किया तो उसको इनराफ ना किया जा सके। अगर नियत यह थी कि माल वक्तन फवक्तन 30 मई 1950 को वजूद में आया था तो
तो मुद्दई को हक हासिल था कि वो 30 मार्च 1950 के बाद माल उठाता रहे। चूंकि वो एक हफ्ते के अंदर पूरा माल नहीं उठा सकता था, लिहाजा वो एक हफ्ते के अंदर मजीद 500 रुपए बतौर शर्त माकबल काम नहीं कर सकती थी। शर्त और वादा किसी मुआहदे में सरही भी होते हैं और मानवी भी होते हैं कि बाज़ औक़ात जो शर्त और वादा है वो बकायदा जो है वाज़े भी होते हैं और बाज़ औक़ात मानवी भी होते हैं। मानवी से ये मुराद है कि ये काम तो अंडरस्टूड है, इसने करना ही था। सरही शर्त या वादा वो है जिसका जिक्र वाज़े तौर पर और गैर मुभिम अल्फाज में मुआहदे में कर दिया जाता है। और मानवी शर्त और वादे का क्यास किया जाता है, इसलिए मुआहदे की तहरीर हालात व वाक़यात पर गौर किया जाता है। ताबीर व तशरीह से ऐसा नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि मुआहदे में क्या मानवी शर्त है और क्या वादा, कि क्या मानवी शर्त थी और क्या वादा था। शर्त की तीन अक्साम है। कंडीशन प्रेसिडेंट, शर्त मुकदम, ऐसी शर्त है जिसका पूरा करना मुआहदे की तकमील से कबल जरूरी होता है। शर्त मुतसिल, कंडीशन कंकरेंट, ऐसी शर्त जिसकी पाबंदी मुआहदे की तकमील के साथ जरूरी है। शर्त मा बाद, कंडीशन सब्सिक्वेंट, ऐसी शर्त है जो मुआहदे की तकमील के बाद किसी वक्त पूरी की जा सकती है। मानवी शर्त इंप्लाइड कंडीशन जिसका जिक्र है, मुआहदा अगर सही शर्त मौजूद ना हो तो देखा यह जाता है कि इसमें कोई मानवी शर्त मौजूद है कि नहीं। इंप्लाइड कंडीशन, मुआहदे के अल्फाज हालात व वाक्यात और फरीकैन के बहमी रवैये से मानवी शर्त का तय्यन किया जाता है। बाद मानवी शरायत मदरजा जैल हो सकती हैं कि ये इंप्लाइड कंडीशंस हैं, कि ये मानवी शरायत है, ये मुआहदे में लिखी नहीं होती। माल दुरुस्त और सही हालत में होगा, अदालतें ये राइट डिटरमिन करते हुए देखती हैं। सौदा अगर बजरिया नमूना तय पाया है तो माल का बेशतर हिस्सा नमूने के मुताबिक होगा कि जो नमूना दिखाया है उसी के मुताबिक होगा। माल अगर तिजारत में इस्तेमाल होता है तो मानवी शर्त यह है कि माल काबिले तिजारत है, कि तिजारत में इस्तेमाल होता है तो वो काबिले तिजारत होगा। सौदा अगर खास नौयत के माल का हो तो उसी नौयत का माल हवाला खरीदार होगा, उसी नौयत का माल दिया जाएगा। माल किसी किस्म के बार से आजाद और मुबर्रा होगा, वो कहीं प्लेज नहीं होगा, हर किस्म के बार से आजाद होगा। ये मानवी शर्त है कि एक शख्स बेच रहा है तो उसका होली सोली मालिक होगा। माल किसी खास मकसद के लिए खरीदा गया हो तो मानवी शर्त यह होगी कि माल ऐसा मकसद पूरा करने के काबिल होगा, माल ऐसा मकसद पूरा करने के काबिल होगा। अब हम इनमें फर्क देखते हैं, शर्त और वादे में फर्क, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। शर्त का ताल्लुक मुआहदे के नफ्स मजमून या रूह से है, सब्सटेंटिव बात, बुनियादी बात है, जबकि वादे का ताल्लुक नफ्स मजमून या रूह से नहीं होता। शर्त मुआहदे की असास और बुनियाद है, मुआहदे की बुनियाद शर्त है, जबकि वादा सानवी हैसियत रखता है, उसके बदले में आपको हर्जाना मिलता है। शर्त अगर गलत होगी तो वो मुआहदा ही कालादम तसव्वुर होगा। शर्त की खिलाफ वर्जी पर मुआहदा मनसूख हो सकता है, जबकि वादे की खिलाफ वर्जी पर ऐसा नहीं होता। शर्त की खिलाफ वर्जी को खिलाफ वर्जी वादा शुमार किया जा सकता है, जबकि खिलाफ वर्जी वादा को खिलाफ वर्जी शर्त शुमार नहीं किया जा सकता। शर्त की खिलाफ वर्जी पर मुआहदे को बहाल रखते हुए हर्जाना हासिल किया जा सकता है, जबकि वादे की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ हर्जाना वसूल किया जा सकता है। तो हमने यह देखा कि शर्त जो है वो बुनियादी चीज है, कंडीशन एंड वारंटी। जो वादा है वो बुनियादी चीज नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ किस्म के मुआहदात क्या होते हैं, उसके हवाले से क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या लाइबिलिटीज होती हैं, ये देखी हैं, और इनको हम किस तरह
तिजारत में यूज करते हैं, अदालतें किस तरह डिटरमिनेशन ऑफ राइट करती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच।